अरे वाह, जल में तो इसका प्रतिबिंब और भी सुंदर लग रहा है। इससे प्रकाशित ये मत्स्य बहुत मनमोहक प्रतीत होती है। इसे जल में डालकर तो और भी स्पष्ट दिखाई देगी ये, और भी सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा। बहुत आनंद आएगा। समुद्र देव, क्या आप ये अनमोल मोती देवी पार्वती और उनके पुत्र को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे? हाँ मंत्री जी, मैं स्वयं कैलाश लेकर जाऊंगा इन्हें। ये गया। ये अकस्मात क्या हो रहा है? मेरे जल में ये कैसी हलचल हो रही है और ये प्रकाश कैसा है? चंद्र, वो यहाँ मेरे जल में क्यों है? चंद्रमा के प्रकाश से ही मेरे नेत्र चकाचौंध हो रहे हैं। मेरा जल अशांत हो उठा है उनके आगमन से। अब पुनः सब शांत हो चुका है। ये चंद्र क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कैसी क्रीड़ा है ये उनकी? मेरा जल अधीर होकर पुनः शांत हो जाता है, क्या कारण हो सकता है इसका? मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। प्रभु, प्रणाम। प्रभु नंदी, कहो क्या बात है, क्या हुआ है? प्रभु, चंद्रशेखर, शेखर चंद्र नहीं है। मैंने वरदान दिया था चंद्र को कि वो सदा मेरे शीश पर स्थित रहेंगे, फिर वो मेरे शीश कहां चले गए? कौन हटा सकता है उन्हें वहां से? क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने शांत क्यों हो गए? मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूं आपके समक्ष और पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये सत्य है? क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? इस असुर में इतना साहस कहां से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से ही इतनी दुष्टता से बात कर रहा है? और भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र में इतनी रुचि क्यों है इस राक्षस को? नारायण नारायण। किंतु ये कैसे संभव है? महादेव ने तो वचन दिया था देवताओं को उनके और देवी पार्वती के संयोग से उन्हें कोई संतान नहीं होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थार्पणार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी धर्म का ह्रास होगा, जब भी बुराई की शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी, जब भी तुम जैसे दुष्ट के अस्तित्व का प्रभाव होगा,
तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारे काल का रूप लेकर शुभता का बल बनकर असाधारण रूप धारण कर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है वो ही तुम्हारा अंत करेगा सिंदूरा। ब्रह्मदेव, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक बालक अंत करेगा मेरा? कदापि नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजेय हूं? आप विष्णु या स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझसे प्राप्त वरदान की शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तुम एक पापी दुष्ट असुर बन गए सिंदूरा। किंतु पापी कभी अजेय नहीं होते। ये ज्ञात होते हुए भी तुम अपने कुकृत्यों में लिप्त हो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। भूल रहे हैं आप। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। तुमसे अपेक्षा भी क्या कर सकता हूं मैं? तुमने अपनी शक्तियों को व्यर्थ किया है। संस्कार विहीन तो तुम थे ही, किंतु अब तुम्हारे बल से उत्पन्न अहंकार और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति ने तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान तो बहुत दिए, किंतु प्रतीत होता है संस्कार देना भूल गए। अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया इन सृष्टि रचयिता ने। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब मैं उस बालक का वध करूंगा। सिंदूरा का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस बालक का अंत कर आपके ब्रह्मलोक को नष्ट करने के लिए शीघ्र लौटूंगा मैं। अजय तो आपने ही मुझे बनाया है ब्रह्मदेव, तो मेरे पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच पिताश्री। ये मेरी सबसे बड़ी भूल का प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्मदेव, क्या सुना मैंने अपने कानों से? नारायण नारायण, उस दुष्ट राक्षस ने भी आपको पिता कहकर संबोधित किया?
आप ही इस दुष्ट दानव के पिता हैं? नारायण नारायण, मैं आपके सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा देवर्षि, किंतु इसके पूर्व मुझे उसकी उपस्थिति से दूषित हुए ब्रह्मलोक को पुनः पवित्र कर लेने दीजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं देवर्षि। प्रभु, भला ये कौन कर सकता है? किसमें इतना साहस कि आपके शीश से चंद्र ले जाए? इतनी उद्दंडता? अवश्य मेरा पुत्र ही चंद्र को ले गया होगा। कौतूहलवश उसने मेरे शीश से चंद्र को ले लिया होगा, किंतु यदि मैं अपने गणों को ये बात बता दूंगा तो भयवश वो कदाचित बालक से चंद्र को लौटा कर लाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तुम सभी जाओ और शीघ्र चंद्र को ढूंढ कर लाओ। जी प्रभु। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो हुँ? और नीचे देखकर क्यों नहीं चल रहे हो? प्यास लगी थी। अरे आप इतना भी नहीं तमत्ते? अरे हम लोग तंदलमा तो ढूंढ रहे ना, तो आदमान नहीं मिले ना। नीचे ढूंढो भाई, ढूंढो। इसको समझाना और इन गणों को समझाना असंभव है। मैं आके ढूंढता हूं। क्या तल्ला है भाई, देखते तलना। इस बालक के पास है, ये तो उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है। मलदार, चंद्रमा तो इस बालक के हाथ में देती तलंदी थी, देती है। अब महादेव के पुत्र से चंद्र को कैसे मुक्त कराएंगे हम? कैसे लौटा कर ले जाएंगे उन्हें? इससे और रेखा खींचता हूँ। फिर से रेखा खींच रहा है। नहीं शृंगे, इसे छेड़ना उचित नहीं। पुनः कठिनाई उत्पन्न हो गई, इसका क्या समाधान है? अन्य कोई कण भी इसकी ओर नहीं बढ़ेगा, किंतु प्रभु के आदेश का उल्लंघन भी ना हो, साथ जुड़ा के मैं ही आगे बढ़ता हूं। ये सुंदर है। छाई किसकी है? कौन है? आ,
बालक, ये चंद्र है, इसके साथ तुम क्रीड़ा नहीं कर सकते हो। अब इसे मुझे लौटा दो। लौटा दो। महातेजस्वी और शक्तिशाली हूँ मैं। मेरा ये अस्त्र जिससे मैं सभी दुष्टों का अंत करूँगा, इसे मैं किसी को नहीं लौटाऊंगा। चलो फिर तलो। अरे तलो, अरे तुतले, तुतला हम रसोई घर में नहीं है, अभी हम बालक के समक्ष हैं। तलो बालक ते तमत्ते इतिले तो तेरा हूँ। चलो चलो चित्तो याते। ओ चलो, पर कैसे? महादेव के आदेश का उल्लंघन करके? बहुत आनंद आ रहा है। यदि आपको इसके साथ क्रीड़ा करनी है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो इससे मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भर जाए, मैं इसे किसी को नहीं लौटाऊंगा। देखिए ना, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। अरे तोतला, कौन सी तितली और किसके बाल? हम यहाँ इसके हाथ में चंद्र की बात कर रहे हैं और ये कहा है कि अरे नहीं शिरंगी जी, ये कह रहे हैं कि पिछली बार भूल गए क्या, इस बालक से उलझने का क्या परिणाम हुआ था? दिखाता हूँ, इसे मैं आकाश में कितने ऊपर तक फेंक सकता हूँ। देखिए, देखा देखा, आप लोगों को अच्छा लगा ना? भागो। और दिखाऊं? अभी तो यही थे सभी, कहाँ चले गए? किंतु ये तो है मेरे पास। प्रभु, वो बालक आपके पुत्र चंद्र को नहीं लौटा रहे। हमने उनसे चंद्र को लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो चंद्र के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जिन साक्षात चंद्रदेव को वरदान देकर मैंने उनके प्रतीक को चंद्र रूप में अपने शीश पर धारण किया है, जिनके अस्थिर होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, एक बालक उनके साथ क्रीड़ा करे, क्या ये उचित है? नंदी, तुम जाओ और शीघ्र चंद्र को लौटा कर लाओ, उन्हें उनके उचित स्थान पर स्थापित करो। जी प्रभु। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, इसे पुनः उछाल कर देखता हूँ। इतना सुंदर फल अवश्य स्वादिष्ट भी होगा। थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ, इसे तोड़ लेता हूँ, फिर इसके स्वाद का आनंद लूंगा, खाऊंगा इसे। ऊंचाई पर लटका है, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं तोड़ सकूंगा, कोई युक्ति लगानी होगी। इस दंड से सहायता प्राप्त हो सकती है मुझे। आ, आ, आ,
लक्ष्य नहीं साध पा रहा हूँ, कुछ और करना होगा। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता हूँ। बालक को यहीं कहीं होना चाहिए, यहां से अधिक दूर तो नहीं जा पाया होगा। बार इन्होंने दंड उठाया था तो हमारी बुरी दशा कर दी थी, इस बार न जाने क्या कर बैठे। अब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करूं, इनसे चंद्रमा कैसे प्राप्त करूं।